हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मामार्थ के कुछ प्रोडक्ट। वो ये कोई पेड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने खुद परचेज किया है, मैंने यूज़ किए हैं, उसका कैसे एक्सपीरियंस रहा वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। सो मैंने मामार्थ से मंगाए हैं कुछ प्रोडक्ट्स, एक्चुअली कुछ नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मंगवाए मंगवाए हैं। तो हैं। चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है और उनका कैसा रिव्यू है, क्या रिजल्ट्स हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आज आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ के साथ बेल का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मुझे हाँ, पहले अच्छा से मेरा लगेगा। चैनल सब्सक्राइब किया हुआ तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं फ्रेंड, जिन लोगों को नहीं पता है कि मामार्थ की खुद की पर्सनल ऐप है। जैसे कि आप प्रोडक्ट मंगवाते हो दूसरी ऐप से, लाइक अमेजोन से, नाइका से, पर्पल से, या और भी किसी ऐप से आप मंगवाते हैं। अब आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट मामार्थ की ऐप से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा जो कि आपको अदर ऐप्स पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और आपको काफ़ी सारे फर्स्ट टाइम जब आप उनकी ऐप से परचेज करेंगे तो आपको कई सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यस, और अगर आपको नहीं पता है कैसे कहाँ से डाउनलोड करना है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से मामार्थ की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से मामार्थ की ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। आप वहां पे जाके देखिए, डाउनलोड करके आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिस्काउंट्स मिलेंगे जो कि आपको कहीं भी ऐप में नहीं मिलेंगे। तो देर मत कीजिए, अगर आपको मामार्थ के प्रोडक्ट खरीदने हैं तो आप वहां ऐप लिंक पे ओपन जाइए करिए। करिएगा और मामार्थ की ऐप डाउनलोड करके प्रोडक्ट मंगवाना स्टार्ट करिएगा। और ढेर सारा डिस्काउंट लीजिए और बहुत सारे फ्री गिफ्ट्स आप लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज मैंने क्या मंगवाया है। मैंने जो मंगवाया है इसमें बड़े बॉक्स में मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स रिसीव हुए हैं और इसमें हम देखते हैं कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, मैंने ये एक मंगाई है बेबी रैश डायपर रैश क्रीम। जो लोग मेरी वीडियो पहले से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मुझे अभी 23 मार्च को ट्विंस बेबी बॉय हुए हैं तो मुझे इन चीज़ों की अब ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये सेकंड है, ये मैं फर्स्ट पहले ख़त्म कर चुकी हूँ, ये सेकंड मैंने मंगवाई है क्योंकि काफ़ी अच्छी है। मैंने और भी हिमालय की भी यूज़ की है, और भी यूज़ की है, बट मुझे बहुत अच्छी लगी। जब आप इसको बेबी के को अप्लाई करते हैं ना तो काफ़ी एक लेयर बन जाती है उसके हिप पे, उससे आपको, उससे बेबी को रैशेज नहीं होते और वो सेफ रहता है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी लगी है। अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है और वो डाइपर पहनता है तो आप डेफिनेटली एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये। तो ये डायपर रैश क्रीम तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो ये था एक बेबी प्रोडक्ट। बेबी प्रोडक्ट में मैंने ना पहले बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, अभी तो मैंने सिर्फ यही मंगाया क्योंकि ये फिनिश हो गया था। ओके, उसके बाद मैंने मंगाया जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है ये एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा जेल ना दो तरह के आते हैं, तो मैंने ये मंगवाया, मैं पहले इसे दो यूज़ हो चुके हैं, ये थर्ड है। ये बहुत ही अच्छा है गाइज, बहुत बहुत अच्छा है, और इसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसको फेस पे लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा शाइन रहता है। मैं रात को फेस क्लीन करके इसको लगा के सो जाती हूँ ना तो मेरा फेस काफ़ी अच्छा होता है। और इसको सबसे अच्छी बात है कि आप इसको बेबी को भी लगा सकते हैं, मैं अपने दोनों बेबी को फेस पे लगाती हूँ, उन्हें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्स किया। बल्कि एक मेरा जो बेबी है उसकी ना स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ हम लगा नहीं सकते, उसको बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। बट ये मैंने अप्लाई किया था, इससे उसको बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। तो ये मैंने फिर से एक और मंगाया क्योंकि मैंने अपने लिए इस बार दूसरा मंगाया था, बट बेबी की वजह से मैंने ये एक और मंगवाया। तो आप इसको अपने हेयर में भी लगा सकते हैं, स्किन पे भी लगा सकते हैं, अगर बेबी है तो आप उसको भी ये लगाइएगा। ये बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल ना मैंने बहुत यूज़ किया, मैंने पतंजलि का भी यूज़ किया, वो भी ग्रीन और येलो आता है, उसमें कलर मिक्स कर देते हैं क्योंकि एलोवेरा जेल सबको पता है, देखिए जो नेचुरल होता है ना वो ग्रीन और येलो कलर का तो बिल्कुल नहीं होता। एलोवेरा जो अंदर से जेल होता है ना वो इसी कलर का होता है, जो अंदर दिख रहा है ना आपको व्हाइट, ऐसा ही होता है एक्चुअल में एलोवेरा जेल। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल है, थोड़ा बहुत देखिए केमिकल होता ही होता है क्योंकि इतने लंबे समय तक प्रोडक्ट बॉटल में बंद रहते हैं, खराब ना हो कुछ चीज़ें डेफिनेटली इसमें मिली होती है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं ये तो प्योर है, प्योर नहीं हो सकता, वो खराब हो जाएगा, इसीलिए कुछ चीज़ें मिलती हैं। बट ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मफुल बिल्कुल नहीं है और कोई कलर या कुछ भी नहीं है, तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं।
मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। ओके और जो मैंने दूसरा एलोवेरा मंगाया है वो है ये मामा अर्थ का अश्वगंधा जेल, एलोवेरा जेल। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ही मंगाया है और ये इतना मैं यूज़ कर चुकी हूँ, यू कैन सी इतना मैं इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। मैं भी लगाती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लगाते काफ़ी अच्छा, लेकिन हाँ मैं इसको बेबी को नहीं लगाती हूँ क्योंकि इसमें अश्वगंधा है वगैरह, तो पता नहीं उसकी स्किन को सूट करेगा कि नहीं। और बेबी की स्किन पे ना मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहती हूँ। तो ये हम लोग अपने लिए मंगाया, हम इसमें अच्छा इस वाले को ना आप हेयर पे नहीं लगा सकते हैं, ये सिर्फ फेस के लिए है, और ये वाला आप हेयर पे भी लगा सकते हैं। तो दोनों ही बहुत अच्छे हैं और दोनों ही हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आपको हेयर पे भी अप्लाई करना है तो आप डेफिनेटली इस एलोवेरा जेल पे जाइएगा, प्लेन वाला है जो, और अश्वगंधा आपके फेस के लिए बहुत अच्छा है तो आप अश्वगंधा वाला भी ले सकते हैं, ये स्किन को बहुत अच्छा ओके रखता है। इसके बाद मैंने मंगाया है, ओके इसके बाद जो मैंने मंगाया है फर्स्ट टाइम मंगाया है ये है साबुन। ये है उपटन साबुन है ये, अच्छा उपटन फेस पे लगाने का आता है, उपटन वो साबुन भी भी है है। और साथ ही साथ इसमें चंदन भी है, तो ये काफी अच्छा सोप है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 5 का पैक है एक्चुअली, इस तरह से है। इसमें फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है गाइस, इसमें 5 साबुन आए हैं, यू कैन सी इस तरह से इसमें ये मुझे मिला है, और ये काफी मुझे फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैंने अभी तक यूज नहीं किया है बट डेफिनेटली ये भी मुझे बहुत पसंद आएगा, काफी अच्छी फ्रेग्रेंस है और इसमें चीजें भी काफी अच्छी हैं, तो मैं ये इसको यूज करने वाली हूँ इस बार। इसका जो कॉस्ट है वो है 375, बट ये मुझे बहुत बहुत सस्ता मिला है गाइस, बहुत सस्ता। आप गैस करके बताइए कि कितने का मिला है, और अगर नहीं बता पा रहे हैं तो ऐप डाउनलोड करिए और वहां पे देखिएगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा मेरे ऐप से, मेरे लिंक से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा ये मुझे कितने का मिला है। तो ये भी बहुत अच्छा साबुन है, नेचुरल है, आप अपने लिए डेफिनेटली इसको मंगवा सकते हैं। उसके बाद हमें अपनी स्किन के लिए, मैं अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ, बेसिकली बेबी हुआ है तो जब से तो मैं और ज्यादा ध्यान रखने लगी हूँ, हालांकि मुझे टाइम नहीं मिलता है लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता है मैं अपनी स्किन पे काम जरूर करती हूँ। और मैं अपनी स्किन में ना बहुत ज्यादा नए नए एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, मैंने पहले भी बताया क्योंकि मेरी स्किन पे कोई भी दाग धब्बा नहीं है, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कहीं मैं एक्सपेरिमेंट करूंगी ऐसा ना हो कि मेरे फेस पे दाग धब्बे आ जाए इसीलिए। बट मैं जो यूज करती हूँ उपटन का स्क्रब फेस वॉश है, अच्छा ये स्क्रब भी है और ये फेस वॉश भी है, ये भी इसमें हल्दी चंदन का है और ये वाकई बहुत अच्छा है, मैं पहले भी यूज कर चुकी हूँ, ये भी अच्छा पैक्ड है, मैंने ना खोले नहीं है, और ये ना मैंने दो मंगाए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, मैं तो यूज ही नहीं करती, एक एक मंगा लिया तो वीडियो के लिए मैंने कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज मैं यूज करती हूँ ना गाइज और मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ वो अच्छा रिजल्ट देती है, तो ही मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी आपको बोल दूंगी, आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पे। मैं आपको किसी भी चीज का अगर रिव्यू दे रही हूँ वो जेन्युइन रिव्यू आपको मेरे पास से मिलेगा, कोई भी फेक नहीं मिलेगा। समटाइम ऐसा हो जाता है कि देखिए सबकी स्किन अलग होती है, ऐसा हो सकता है कुछ चीज मुझे सूट करे आपको ना करे, जो कुछ चीज ऐसे हो सकती है जो आपको सूट करे मुझे ना करे, राइट? तो थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ जो भी कोई देख रहा है उसको सबको हार्म हो रहा है उस पे, स्किन पे स्किन बिल्कुल भी अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो चीज मैं यूज करती हूँ और अच्छा रिजल्ट आता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर मैं किसी चीज का रिव्यू दे रही हूँ और अच्छा रिव्यू है तो डेफिनेटली आप उसको बाय कर सकते हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये है उपटन, अच्छा इसको ना स्क्रब की तरह और उपटन की तरह मैं लेती हूँ, खूब सारा लेती हूँ और उसको अप्लाई करती हूँ, और वाकई मेरा जो फेस है ना बहुत अच्छा शाइन करता है, ऐसा लगता है जितनी भी गंदगी थी ना, जो हमारे ओपन पोर्स होते हैं उसके अंदर गंद भर जाता है, वो निकलता नहीं है फेस वॉश से, वो सब कुछ इससे रिमूव हो जाता है। तो ये काफी अच्छे उपटन के फेस वॉश हैं, आप डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हैं। मैं तो इसे स्क्रब की तरह भी यूज करती हूँ, मंडे टू मंडे करती हूँ, कभी तो वीक में 2 बार भी मैं यूज करती हूँ, तो इसको मैं 2 बार तो मैं यूज करती हूँ, 3 बार तो नहीं, 2 बार यूज करती हूँ, वैसे मंडे टू मंडे अगर टाइम नहीं मिलता है तो, वरना एक तो बार ये और एक। काफी अच्छा है, आप इसको डेफिनेटली एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको स्क्रब या कुछ करना है ना आप इसको लीजिएगा, स्क्रब के लिए भी बहुत ही बहुत अच्छा है, ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है गाइस। एंड देन उसके बाद मैंने ली है ये विटामिन सी क्रीम, विटामिन सी की क्रीम जो कि काफी अच्छी है। अच्छा ये ना मॉइस्चराइजर है बेसिकली, ये ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है विटामिन सी का, तो पहले भी मैंने ना दूसरा मंगाया था, मैं आपको दिखा देती हूँ ये खत्म हो चुका है, ये दो थे मेरे पास, दोनों खत्म हो गए हैं। तो ये था मामाअर्थ का ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद एप्पल साइडर विनेगर, इसमें था, बट इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया, ये भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं कि खराब था इसलिए मैंने चेंज किया, बट थोड़ा सा मुझे लगा कि इस बार विटामिन सी यूज करके देखना चाहिए, तो मैंने इस बार विटामिन सी लिया।
ये भी ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर है गाइस, और ये बहुत अच्छा है। ये भी मेरा सेकंड है, एक मैंने अभी भी ओपन करके रखा हुआ है, उसको मैं यूज करती हूँ। ये सेकंड मेरा पैक्ड है जो अभी मैंने निकाला नहीं है। एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट्स है ना, मैं पहले यूज कर चुकी हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे मिले हैं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा दो दो मंगाए, क्योंकि एक ज्यादा जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही यूज करते हैं, उन्हें भी ये बहुत अच्छे सूट करते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा दो दो क्वांटिटी मंगाती हूँ, एक उनका मस्त एक रहेगा मतलब अपना। ये है। तो ये बहुत ही अच्छा है, विटामिन सी आपकी स्किन को काफी अच्छा रखता है। आप इसको जैसे क्या होता है, जैसे अब मैंने मेकअप किया हुआ है, अब मैं इसको रिमूव करूंगी जब, तो स्किन को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, उसको थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो हम ऐसा नहीं कि हर वक्त हम क्रीम लगा के रखें, वो जरूरी नहीं, वो लगानी भी नहीं चाहिए एक्चुअली। हमेशा फेस पे क्रीम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं ना, वो क्लोज हो जाते हैं, तो हमारी जो स्किन है ना, वो ब्रीथ नहीं कर पाती है, राइट। इसीलिए जैसे कि मैं अब अपना बताती हूँ, अभी मैं जब मेकअप रिमूव करूंगी, उसके बाद या तो मैं ये लगाऊंगी जेल, या फिर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर समटाइम मैं दिन में भी लगा के सोती हूँ और रात को भी लगा के सोती हूँ, उससे क्या होता है, स्किन मेरी काफी अच्छी रहती है, हाइड्रेट रहती है और काफी सॉफ्ट रहती है। तो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऐसा ना होता, ऐसा नहीं लगता कि मेरी स्किन डेड हो गई है, बहुत ज्यादा रूखी रूखी हो गई है, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हैं, अगर आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, आप ये सब पे जाएगा, ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, आप एक बार इसको ट्राई करके जरूर ये देखिएगा। उसके उसके बाद अच्छा, मुझे ना ये शैम्पू फ्री मिला है, ये है ओनियन शैम्पू, ये मुझे फ्री मिला है इसके साथ में, और ये उपटन फेस वॉश, एक मिनी फेस वॉश है, ये भी फ्री मिला है। जो पहले सामान मंगाया था उसमें मुझे फ्री मिला था, और अभी भी मुझे ये फ्री मिले हैं। तो ये जो मेरा बाहर आने जाने या काम आता है, या फिर मेरे हस्बैंड ज्यादातर ट्रेवल करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब छोटे से पाउच में डाल लो और ये बहुत सफिशिएंट होता है, तो ये काफी अच्छा रहता है जो फ्री गिफ्ट मिलते हैं। वैसे इसका 100 रुपीज कॉस्ट है, अगर आप मिनी लेते हैं ना इसको, इसका 100 रुपीज कॉस्ट है, बट ये मुझे फ्री मिलता है, और जब भी मैं सामान मंगाती हूँ मुझे फ्री मिल जाता है, तो मेरा खत्म नहीं होता, उससे पहले मेरा दोबारा मुझे आ जाता है। अच्छा उसमें ना, मैं एक चीज और मैं आपको बताना भूल गई, मामाअर्थ की जो ऐप है ना, उसमें मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, मेंबरशिप बहुत बहुत सस्ती है, 100 150 रुपए की है, लेकिन आप जब अगर मेंबरशिप ले रहे हैं तो आपको वो समझ लो 30 40 50 रुपए की पड़ती है, क्योंकि उतना आपको कैशबैक मिल जाता है, आपको फ्री प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो इतना डिस्काउंट मिल जाता है ना मेंबरशिप के बाद में, तो आपको बहुत प्रोडक्ट फ्री फ्री से ही हो जाते हैं। ये समझ लीजिए, ये जो प्रोडक्ट मंगाया है ना, मैंने पहले जो प्रोडक्ट मंगाया था उसमें मुझे 500 रुपए का कैशबैक आया था, मैंने 1100 रुपए का सामान मंगाया था और उसमें 500 रुपए कैशबैक मिला था मुझे, जिसकी वजह से मैंने ये था कि मेरे को अभी और मंगाना ही खत्म हो गया, तो मैंने ये सारा फिर से मंगाया, और इसका भी 1000 रुपए कॉस्ट लगा, कॉस्ट था, और मेरे 500 रुपए जो आए थे वो मैंने लगाया, और मुझे डिस्काउंट मिला, फ्री मिला, मैंने सिर्फ 300 रुपए पे किए 1100 रुपए के इस सामान के, सोचिए सिर्फ 300 350 रुपए मैंने पे किए हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता ना, तो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिजल्ट भी दिखा सकती, उसका प्रूफ दिखा सकती हूँ, मेरे पास बिल है ऑनलाइन का, तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा एक चीज ना, मैंने एक और मंगाई थी, ये बेबी क्रीम मंगाई थी मैंने, बट ये मैंने अभी लगाई नहीं है बेबी को, मैंने जैसे बताया मेरे एक बेबी का जो स्किन है काफी सेंसिटिव है, एक का ठीक है, तो उसको मैं कभी कभी लगा देती हूँ, तो ये मैंने मंगा के रखा है कि कहीं जाती हूँ तो एक बेबी को फेस पे लगा देती हूँ, उसका ड्राई नहीं होता। वैसे मैं जेल लगाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, कि जेल लगाती हूँ, उनकी स्किन अच्छी रहती है, बेबीज की आपको पता ही स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, कितनी अच्छी होती है, वो खराब नहीं करनी इतनी केमिकल्स यूज करके, तो इसीलिए मैं नहीं यूज करती हूँ। और मुझे एक फ्री में ये भी मिला है, विटामिन सीका स्लीपिंग क्रीम मास्क भी मुझे फ्री मिला है, ये मैं आपको दिखाना ही भूल गई हूँ। ओके ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये भी काफी अच्छा है, इसका ना जो अंदर से है स्ट्रक्चर काफी जेल जैसा है ऐसा, तो ये काफी अच्छा है। तो ये सारा सामान मैंने मंगाया है, तो फ्रेंड्स अगर आप ये सारा सामान मंगवाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऐप डाउनलोड करिएगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे बताइएगा, इस सारे प्रोडक्ट को आप यूज करिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इसी तरह की और मैं वीडियो लेकर आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और अगर आप किसी एक प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं वो भी आप मुझे बताइए, डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूंगी। तो इसी तरह की और एक नई वीडियो में लेके, एक नया रिव्यू लेके मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।